Yes, students, our next chapter is chapter number 2, microorganisms. Do you know about microorganisms? Micro means होता है छोटा, small. Organism मतलब जीव. वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? Microorganisms बोलते हैं. Okay? Next है हमारे पास major group of microorganism. इसको 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, फंगी, अल्गे, प्रोटोजोआ, वायरस. तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं. फिर है हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ तो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. एंड अ स्मॉल फ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डिजीजेस. लेकिन थोड़ी फ्रैक्शन ऐसी होती है जो बीमारियां फैलाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म्स. जैसे घर में हम कभी भी खाना खाने से पहले मम्मा बोलते हैं ना कि हाँ हैंड वॉश करके आओ, डिटॉल से हाथ धो, तो ये क्यों करते हैं हम? जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नाउ वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे जो बैक्टीरिया है उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या चीज है, ये क्या है? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है. लार्जर देन वायरस, वायरस से इनका साइज बड़ा होगा. 3 टाइप्स हैं इसके अंदर, रोड शेप्ड हैं, स्फेरिकल हैं और स्पाइरल है. रोड शेप्ड मतलब लंबी रोड जैसी, आपको बुक में फिगर शो की हुई हैं, उनको देखेंगे आप. स्फेरिकल मतलब स्फीयर टाइप, और स्फीयर टाइप. और नेक्स्ट वन है स्पाइरल, मींस ऐसे घुंघराली. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास फंगी. इसके अंदर क्या आता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आती है. यूनि मल्टी यानी कि एक सेल भी हो सकती है, एक से ज्यादा सेल भी हो सकती है. और इसमें क्या था, ब्रेड मल्ट, मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ये खाना कैसे बनाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डीके करके, तोड़ के. नेक्स्ट है, डिपेंड करते हैं ये किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी पे ये रह रहे हैं. जैसे पैरासाइट्स हैं, जुए हैं और जोक है, जो मतलब जिस बॉडी पे वो रहती है उस पे ही खाने के लिए डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट है अल्गा. अल्गा में क्या है? ये भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों किस्म का हो सकता है. और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में. और ये क्या करते हैं? वाटर बॉडीज के अंदर ही रहते हैं. ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है प्रोटोजोआ. यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है वायरस. ये क्या है? सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे स्मॉल हैं. दे आर नॉट सेल्स, इनके ये सेल नहीं है, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, और ये खुद से बढ़ नहीं सकते, खुद को पैदा नहीं कर सकते. लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है तो ये लिविंग बन जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास, Where do the microorganism live? कहाँ रहते हैं microorganism? कहाँ रह सकते हैं? Air में, water, soil, यहाँ रह सकते हैं. On the surface of object and living organism. जो object है कोई भी उसके surface पे या फिर living organism के अंदर. और inside the body of animal and humans. Human body और animal body के अंदर भी रह सकते हैं. और in dead decaying organic matter, जो matter decay हो रहा है, खराब हो रहा है, या dead चीज है कोई, उसके अंदर रह सकते हैं. और दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये किसी भी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कोल्ड, हॉट, ड्राई, मर्शी, किसी भी प्लेस पे. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है. तो फूड की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कर्ड बनती है, दूध से दही बनाते हैं, ब्रेड बनता है, चीज. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है ये? एल्कोहल बनाने में, वाइन में, विगनर में. ओके, मेडिसिन में, एंटीबायोटिक में. एंटीबायोटिक क्या करती हैं? जो जर्म्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमें जर्म से, वो चीज. नेक्स्ट है हमारे पास, वैक्सीन्स में, इंजेक्शन वगैरह बनाने में. नेक्स्ट है फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन कर देती है. मान लीजिए कोई जीव मर गया है, कोई पशु पक्षी है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो अपने आप से खत्म होता है ना, वो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं, डीके कर देते हैं, ताकि एनवायरनमेंट क्लीन बना रहे. नेक्स्ट है इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये जो सीवेज वगैरह होता है उसके ट्रीटमेंट में भी इनका यूज किया जाता है. ओके,
Yes, students, our next topic is in agriculture to increase soil fertility. कि एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो जो कुछ बैक्टीरिया है वो कहाँ रहते हैं? लीव्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की रूट में एग्जिस्ट करते हैं. दे आर एबल टू फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इंटू नाइट्रेट्स. ये क्या करते हैं, जो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में, क्योंकि नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद ही प्लांट इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इनटू स्टेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. नेक्स्ट वन है हमारे पास, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गे आर ऑल्सो नोन फॉर फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो क्या करता है, उसको यूज किया जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट वन है हमारे पास एज सोर्सेज ऑफ फूड. सोर्सेज ऑफ फूड की तरह कैसे बैक्टीरियाज काम करते हैं? आपको पता है मशरूम है फंगी टाइप, इसमें क्या होता है, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं. नेक्स्ट है यीस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं. नेक्स्ट वन है फिश एंड सी एनिमल्स. सी में जो एनिमल्स मिलते हैं, फिश होती है, वो डायरेक्ट फूड का सोर्स होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड. नेक्स्ट वन है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डीकम्पोजिशन क्लीनिंग द एनवायरमेंट. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किस चीज में, डीकम्पोजिशन में और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट को कैसे साफ रख रहे हैं, कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको डीकम्पोज कर रहे हैं. तो ये कैसा है, वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे मान लो प्लांट्स हैं, प्लांट का वेस्ट बच गया है कुछ, या हम जो खाते पीते हैं उन चीजों का वेस्ट बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं और उसको हार्मलेस कर देते हैं, चीजों को डीकम्पोज करके उसे खत्म कर देते हैं, कि उसका अब एनवायरनमेंट पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है. जैसे आप किसी भी प्लांट का वेस्ट बोला मैंने, और एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, अगर उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो सोयल के अंदर ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं और उसको मिट्टी में ही कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजर बोलते हैं, डीकम्पोजर्स यानी कि डीकम्पोज करने वाले. ओके, अंडरस्टैंड. यस स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पढ़ रहे थे कि उसके अंदर क्या क्या, कैसे वो हेल्प करता है हमें. तो नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजर इन सीवेज ट्रीटमेंट. जो सीवेज होता है घरों से, जो भी पानी के साथ जो भी वेस्ट निकलता है, एनिमल्स का वेस्ट है, ह्यूमंस का वेस्ट है, वो सारी चीज कहाँ जाती है, सीवेज में जाती है. तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, और उसको क्या बना देते हैं, हार्मलेस बना देते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी हार्मफुल थिंग्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस में. ओके, नेक्स्ट है तो बायोगैस कैसे बनती है. जब सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और उसे प्रोड्यूस कौन करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया उसे प्रोड्यूस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं. बायोगैस क्या है, एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम घरों में भी कर सकते हैं, एक फ्यूल की तरह उसको यूज करते हैं. बायोगैस क्या है, एक फ्यूल है, जो इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एज अ फ्यूल उसे यूज किया जाता है. जो कैसे बनता है, वही एनिमल्स का वेस्ट हो गया, जैसे एनिमल डग गोबर बोलते हैं जिसे हम, और जो सब्जियां होगी, सब्जियों के छिलके वगैरह, यानी कि प्लांट्स का वेस्ट और एनिमल्स का वेस्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोगैस. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक. कि एंटीबायोटिक को कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ, कि किसकी, लाइफ के अगेंस्ट, किस चीज की, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, हमें इल करते हैं, उन्हें किल करने के लिए उनके अगेंस्ट जो एक
क्या होती है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स बना ली जाती है, उन्हें बोलते हैं हम कि ये क्या है, ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि इनके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जो हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. क्या है द केमिकल सब्सटेंस विच की लॉस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि केमिकल सब्सटेंस है जो कौन छोड़ता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्या करता है, किल कर देता है या स्टॉप कर देता है किसको, ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, जो हमें क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस छोड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक. ओके, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन. क्या है, पेनिसिलिन. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास वेसिन्स. वेसिन्स क्या है, टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी टू डिसीज इन द लिविंग बॉडी, कि इम्यूनिटी क्या है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कि रोगों से लड़ने की पावर, कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि अगर हम बीमार हो जाएं हम कितनी जल्दी ठीक होंगे, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है. तो इम्यूनिटी भी वो पावर है. क्या है, टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिसीज इन द लिविंग बॉडीज, कि लिविंग बॉडीज में डिसीज से लड़ने के लिए जो पावर दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है, वैक्सीन्स के थ्रू. इंजेक्शन देते हैं ना, जैसे सुनते हो आप लोग कि बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, हाँ 3 मंथ का होगा तब लगेगा, 6 का होगा, जैसे ऐसे है 1.5 साल का होगा तब लगेगा, जैसे पोलियो का इंजेक्शन लगता है, टाइफाइड वगैरह का. तो इंजेक्शन वगैरह बच्चे को पहले ही लगा दिए जाते हैं, वो क्यों, ताकि उनकी इम्यूनिटी क्या बन जाए, स्ट्रोंग बन जाए, कि जब भी वो ऐसी किसी डिसीज के कॉन्टेक्ट में आए तो वो उससे लड़ पाए, उसका सामना कर पाए. क्योंकि अगर इम्यून पावर अच्छी है तो जैसे ही कोई बीमारी हमारे अंदर एंटर करता है, कोई ऐसा बीमारी वाला बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारी बॉडी उस डिसीज से बच जाएगी. जैसे आजकल आपको पता ही है कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हो आप लोग, तो ये वायरस भी अगर बॉडी में एंटर कर जाए, ये नहीं है कि हाँ बॉडी में एंटर किया और हम साथ के साथ एक्सपायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. इसके लिए भी क्या है, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए. अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इसका हम अच्छे से सामना कर सकते हैं. मतलब ये है कि कुछ ऐसे खाने पीने की चीजों में हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाए. जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में ये बीमारी बहुत कम फैल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग घरों से बाहर जा करके घूमना स्टार्ट कर दो कि हाँ कोरोना वायरस तो हमें कुछ करेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना इम्यून सिस्टम है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करती है. ओके, तो इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट अ डिजीज बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, कि क्या है ये, एक एबिलिटी है, एक क्षमता है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए, चाहे वो नेचुरली करे या आर्टिफिशियली करे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास WBC. क्या है WBC, से आप अच्छे से समझते हो कि क्या होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. ये भी क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जो भी डेंजरस माइक्रोब एंटर कर जाते हैं उनको किल कर देती है, या तो डायरेक्ट उन्हें खा लेती है, या क्या करती है, अपने अंदर से एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जो उस वायरस को, बैक्टीरिया को कवर कर लेता है और उसे खत्म कर देता है. तो इस तरीके से जो व्हाइट ब्लड सेल है हमारी बॉडी के लिए अच्छी मानी जाती है, कि इनको एक हिसाब से बॉडी गार्ड बोला जाता है बॉडी का, कि ये हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ओके, ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप लोग पूछ रहे थे ना हार्मफुल ऑर्गेनिज्म क्या है मैम, वो बता दो, तो अभी पता चलेगा क्या होते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं. तो जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, डिसीज काजिंग. डिसीज काजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन. दे काज डिसीज इन ह्यूमन एनिमल प्लांट्स. दे कैन किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है,
डिसीज काजिंग माइक्रोब्स हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं वो वाले क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको क्या भी बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं, और दे काज डिसीज इन ह्यूमन, ये क्या करते हैं ह्यूमन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में ही क्या करते हैं, डिसीज को फैलाते हैं, ओके, यानी कि डिसीज का कारण बनते हैं। फिर है डिसीज कैन सेपरेट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। जो डिसीज है वो क्या होती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक बीमार पर्सन से, संक्रमित से एक हेल्दी पर्सन को लग जाती है, उस डिसीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये किस किस चीज के थ्रू लग सकती है, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इन सारे तरीकों से। अगर एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल भी बने आपके पास, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, कि कौन से हैं, कैसे कैसे रीजन बनता है कि एक पर्सन कैसे बीमार हो सकता है। तो ये क्या है, थ्रू एयर वी ब्रीथ, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, अगर हम उसमें ब्रीथ करते हैं उस टाइम अगर हम बीमार हैं तो हमारे अंदर से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं हमारी ब्रीथ के साथ, बिल्कुल छोटी छोटी, जो हम ऐसे नहीं देख पाते, कुछ देख भी पाते हैं कुछ नहीं भी। तो अगर वो किसी हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाए तो वो बीमार हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड है, कहते हैं ना फैमिली में एक को कोल्ड था, अभी सबको हो गया। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्रीथ के थ्रू ये क्या हो जाता है, डिसीज एक दूसरे में फैल जाती है। नेक्स्ट है फूड वी ईट, जो हम फूड ईट करते हैं उससे कौन सी डिसीज हो रही है, वाटर ड्रिंक करते हैं उससे डिसीजेस हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह, तो ये फैल जाती हैं। और कैरियर्स के थ्रू, कैरियर क्या है, जो एक चीज को उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर छोड़ देती है, जैसे मक्खियां वगैरह हैं, हाउसवाइफ होती है जो, वो भी क्या करती है, कहते हैं ना क्या पता ये कहाँ बैठ के आई हो, हमारे खाने की चीजों पे बैठ जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। तो वो तभी बोलते हैं कि खाने की चीजों को ढक के रखना चाहिए। और ऐसे ही जो मच्छर वगैरह हैं, मच्छर भी क्या करते हैं, एक पर्सन को काट लिया उसने, मान लो उसको कोई इन्फेक्शन है कुछ है, तो वो दूसरे पर्सन को काटेगा फिर भी दिक्कत हो सकती है। जैसे जो मलेरिया है वो कैसे हो रहा है, मलेरिया किस वजह से होता है, फीमेल एनफ्लुएंस के काटने से होता है, यानी कि एक मच्छर है जो मादा मच्छर है उसके काटने से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल, आपको रीड करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल 2.1 है, जिसके अंदर आपको सारे बहुत सारे मतलब माइक्रोब्स के बारे में बताया है कि कौन सा कैसे वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू कैसे बॉडी में एंटर करता है, कौन सी डिसीज हो सकती है, वो चीजें बताई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स के अंदर बताया है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट को इफेक्ट करते हैं, या कैसे किसी एनिमल को इफेक्ट करते हैं। मान लो एनिमल्स में आ जाता है कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उनके पैर सूजने लग जाते हैं या दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है, तो एनिमल्स के जैसे थनों में, भैंस वगैरह है, गाय वगैरह है, उनके थनों में कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये बीमारियाँ किस वजह से बनी है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग ये टेबल रीड करोगे, टेबल 2.2 एंड टेबल 2.3, ओके। यस स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन, की फूड को हम कैसे स्टोर रखते हैं, क्यों जरूरी है उसको स्टोर करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, अगर हम कोई चीज, खाने की कोई चीज लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो खराब क्यों होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो चीज खराब हो जाती है, या फिर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, यानी कि उसको खुला छोड़ देते हैं। अगर हम हवा में, ये लगा लो हमने नमकीन वगैरह लेके आए हैं, उसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो सिलाव सी हो जाएगी उसमें, उस वजह से भी फूड स्पॉइल हो जाता है। तो क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें बताएंगी कि एक फूड क्या है, गुड है या नहीं है। तो वो टर्म क्या है, उसकी ऑर्डर, कि उसकी स्मेल कैसी है, ऑर्डर कैसा है, खुशबू कैसी है, अच्छी आ रही है या गंदी आ रही है, उससे पता चलेगा हमें। नेक्स्ट चीज है टेस्ट, कि उसको चख के देखेंगे, जैसे दूध वगैरह है, दूध को चखते हो गर्मियों के टाइम में क्या हो जाता है, वो खट्टा खट्टा हो जाता है, इट मीन्स वो सही नहीं है, खराब हो चुका है। नेक्स्ट वन है कलर, कई चीजों के कलर में चेंज आ जाता है, कि
अगर उसके कलर में चेंज आया, जैसे फ्रूट्स वगैरह उनको कट करके रख दो, जैसे एप्पल, एप्पल को काफी टाइम तक अगर हम काट के रख देते हैं तो उसके ऊपर कैसी ब्राउन कलर की लेयर सी आनी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि वो खराब हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, उनकी ग्रोथ को रोकेगी या किल करेगी, उसे बोलेंगे हम फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, प्रोसेस बाय विच द स्पॉलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड, जो क्या करती है फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होने से बचाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खराब ना कर पाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम फूड प्रिजर्वेशन। ये प्रोसेस याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, टू मेन मेथड है हमारे पास, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सकता है या फिर स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ को कि वो ग्रो ना कर पाए, उनकी ग्रोइंग को स्टॉप कर देना। तो इनके लिए आगे फर्दर मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं ड्राइंग, जैसे किसी चीज को धूप में सुखा के उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, या लगा लो कि ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो उसको स्टॉप किया जा सकता है। बॉइलिंग पानी को उबालते हैं, मिल्क को उबालते हैं, वो इस वजह से उबालते हैं। नेक्स्ट वन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से किल नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे मिल्क को हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ को वो स्टॉप कर देता है, एंटर होने नहीं देता उनकी ग्रोथ को काफी टाइम तक। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन, इसके अंदर भी सेम सा प्रोसेस है कि पहले किसी चीज को हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट करके फिर उसको एकदम से कूल कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है साल्टिंग एंड एडिंग शुगर, इसमें क्या है साल्ट या शुगर ऐड कर देते हैं, जैसे पिकल वगैरह अचार बनाते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, मीठा नींबू है जैसे उसके अंदर क्या डालेंगे, शुगर डालते हैं, या आम का अचार डालते हैं हम, वो भी मीठा भी हो सकता है दूसरा भी, तो साल्ट का यूज होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो फूड को काफी टाइम तक प्रिजर्व रखती हैं, अच्छा रखती हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हम फूड को कैसा सही रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए यूज कर सकते हैं। कैनिंग है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हीटिंग की जाती है और जिसके थ्रू चीजों को अच्छे से स्टोर करके रखा जा सकता है काफी टाइम तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, अगर फूड प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, फूड के अंदर ग्रोथ बढ़ जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से वो एक हिसाब से कैसे बन जाएंगे, टॉक्सिक बन जाएंगे, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि हाँ हमें रात वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी होती है, जिस वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, और भी कई बीमारियां हैं जो हमें ऐसा लॉन्ग टाइम पड़ा हुआ खाना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ चुकी है, अगर हम ऐसा खाना लेते हैं तो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर ओवर है।